So, ladies and gentlemen, rise and shine, and don't be get bored in any way because the bureaucracy is still on. 49th module of Weber's view on bureaucracy. Bureaucracy, structured, bureaucracy, pursuit type of exercise, legal authority, bureaucracy, uh, Permanence. bureaucracy, administration, bureaucracy, abstraction or conduct, bureaucracy, uh, control and command. सी सिस्टम एंड परसिस्टेंसी ब्रोक्रेसी टॉप टू बॉटम ब्रोक्रेसी बॉटम टू आप ब्रोक्रेसी टाइमलाइन एंड फ्रेमवर्क ब्रोक्रेसी सेट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ब्रोक्रेसी फ्रेमवर्क ब्रोक्रेसी इनपुट आउटपुट ब्रोक्रेसी इनपुट सिस्टम आउटपुट तो यह सारी की सारी जो मैंने आपको बताई यानी आप कमांडेड स्ट्रक्चर

मैंने उन लोगों को भी देखा जो लॉज को किस को तोड़ कर ख़त्म करके ब्राइब करके सिस्टम को आगे चलते हैं किया तो जा सकता है लेकिन ये याद रखें कि मैक्स वेबर के मुताबिक भी और इवन कई के मुताबिक और कुरान मजीब के मुताबिक यूसुफ को अगर आप गौर से देखेंगे मैं उसकी आयत अभी कोर्ट नहीं कर रहा लेकिन एक को आयत का मतन कर रहा हूँ कि उस एक आयत के अंदर कहते हैं हज़रतूसफ्लाम ने जब अजीज़ मिस्र के पास से वो जगह हासिल कर ली यानी ग़ुलाम के तौर पे आए गुलाम के बाद जब वजीज़ मश्र बनने लगे और अजीज़ मश्र बनने लगे तो उससे पहले आए तो उतरी और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उन्होंने अपने आप को खुद पेश किया और कहा कि या अल्लाह अब मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास ये ये चीज़ें ये इल्म मौजूद है और मुझे लगता है कि आप अगर ये मुझे अथॉरिटी देंगे तो मैं इस पूरे सिस्टम को सही तरीके से चला सकता हूँ इसका मतलब ये हुआ कि दिखा के भेज मुझे किश्वरी की जमानत दे मतलब ये हुआ कि मेरे मुझे जब तक खुद पता नहीं होगा कि मेरे पास ये इंस्टिंक्ट्स हैं मेरे पास ये ताकतें हैं मेरे पास ये विजडम है मेरे पास इस स्ट्रक्चर को संभालने की तरीकाकार है और मैं इस चीज़ को जीत जाऊंगा कहा जाता है कि जंगें जो हैं वो दिमाग में जीती जाती हैं पहले यहाँ जीती जाती हैं और फिर वहाँ जीती जाती हैं तो इसका मतलब है जब तक मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मेरे पास ब्यूरोक्रेसी यानी मैं कोई चीज अचीव कर सकता हूँ तो मैं कभी अचीव नहीं करूंगा तो यहाँ पर यह साबित होता है कि लीगल अथॉरिटी की उतनी ही जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की उतनी जरूरत है और सूरह यूसुफ को आप बार बार गौर से पढ़िए और समझिए और उसके अंदर सेट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाएंगे पहला तो उन्होंने अकाउंटेबल हुए और कहा कि मैं इसको संभालने के लिए तैयार हूं फिर कहा मैं लोगों का जो है वारिस बनूंगा

हजूर अल्लात उम्म के पूरे ऑर्डिनेंस में भी देख लीजिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में देखने तो बाकी सारे लॉज ने कहा कि ब्रिटेन लॉ ने भी कहा रोमन एम्पायर का अगर उससे देखें यानी ये चौदह सौ साल से पहले दो हजार साल पहले देखें और इससे पहले अगर ग्रीक में भी देखें उससे पहले हमुर तक देखें ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन और ब्यूरोक्रेटिक लॉज बनते रहे तो हुजूर के दौर के अंदर भी कुरान वजीद से अखज होने वाले भी बहुत सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैं हमने आपके अंदर से अमीर कायम किया और आप अपने अमीर की इताद करें और अपने बड़े की इताद करें फिर अपने से छोटा की इताद करें फिर उससे छोटे की इताद करें यानी एक हरार्किकल स्ट्रक्चर को बनाया गया ताकि इताद का एक सिस्टम हो जब तक आप अमीर नहीं डिफाइन करेंगे आप इताद नहीं डिफ़ाइन करेंगे कोई भी स्ट्रक्चर लीड नहीं करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा सो लीडर लीडर के बाद सबोदी का मतलब ये नहीं है कि आपने ग़ुलाम हो जाना

आने के लिए भी प्रोसेस है। अगर सिस्टम से आउट होंगे तो हम सिस्टम में रह नहीं सकते तो प्रिसाइसली पूरे के लिए ये जरूरी है एक भी करें। one, two, लेकिन उसके साथ आपको आइडियलिज्म को जब आप स्ट्रक्चर करके ब्यूरोक्रेसी में लेकर आते हैं तो ये प्रेगमेटिक डिजाइन बन जाएगा फिर इसको सही आंटोप्रनोर कहेंगे अगर अगर आइडियलिज्म में रह जाएंगे और आप आपको सिस्टम बनाएंगे आप जल्दी फ्लॉप होंगे इसको नहीं कहते छोटा शॉर्टकट कहते हैं और इसको स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं जल्दी डूब जाएंगे लेकिन आइडियलिज्म को रैशनलिज्म के साथ प्लस करेंगे तो आप आप प्रेगमेटिसम पे जाएंगे और जब प्रेगमेटिसिज्म की तरफ जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को अच्छे में रिफाइंड में जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस भी होंगे और अच्छे से शेयरिंग कैपेसिटी भी डेवलप होगी और एक अच्छा चेंज मॉडल आपके सामने आएगा जिसको मैक्स वेबर कहते हैं कि ये थेरी ऑफ चेंज है ये थे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है या थेरी ऑफ सोसाइटल चेंज थैंक यू वर